नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे स्टडी सेंटर पर। आज हम इस वीडियो में देखेंगे गणतंत्र दिवस पर आसान शब्दों में भाषण। तो आइए शुरू करते हैं। जो देश के लिए शहीद हुए उनको मेरा सलाम है, अपने खून से जिस जमी को सींचा उन बहादुरों को सलाम है। खून से खेलेंगे होली अगर वतन मुश्किल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। माननीय अतिथिगण, शिक्षकगण, मित्रगण और मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं और मुझे गर्व है कि मैं भारत का एक नागरिक हूँ। भारत के वे सभी नायक जिन्होंने हमें आज़ादी दिलाने में अपनी कुर्बानी दे दी, आज उनको याद करते हुए, उनको श्रद्धांजलि देते हुए हम ये दिन शुरू करेंगे। आज गणतंत्र दिवस को मनाते हुए मैं आपसे इस दिन के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें बताना चाहता हूँ। आज हम सभी गणतंत्र दिवस मना रहे हैं तो हमें आज के दिन संविधान के इतिहास के बारे में संपूर्ण जानकारी होनी आवश्यक है। भारत देश में हर साल 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। 26 जनवरी 1950 को भारत देश में संविधान लागू हुआ था, इसीलिए आज ही के दिन भारत को गणराज्य का सर्वोत्तम दर्जा प्राप्त हुआ। गणतंत्र दिवस को राष्ट्रीय पर्व के रूप में हर साल मनाया जाता है। राष्ट्रीय पर्व होने के नाते इसे हर धर्म, संप्रदाय और जाति के लोग मनाते हैं। डॉक्टर B.R. अंबेडकर की अध्यक्षता में भारतीय संविधान के प्रारूप को सदन में रखा गया। भारत का संविधान बनने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय लगा था। भारत देश का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। यह राष्ट्रीय पर्व हमें देश की एकता और गौरव को बनाए रखने की प्रेरणा देता है। इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। आपने देखा गणतंत्र दिवस पर आसान शब्दों में भाषण। दोस्तों, हमारी वीडियो आपको अगर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में हमारे वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें।